मैं आपको कहना चाहता हूँ, इधर एक बंदा दुनिया में है और अफसोस की बात है, इन्होंने रिस्क जो यहाँ पे ऑपरेशन था उसे बंद किया। एक इंसान की कीमत कुत्ते से भी बदतर इन्होंने कर दी है। इतनी तानाशाही है, इतनी तानाशाही है, अफसोस की बात है। एक तो इल्लीगल तरीके से आप देखे के रास्तों पे इन्होंने गाड़ी चलवाई है, चली गई है, कोटा से मस नहीं है, पूरी बेगा पावर प्रोजेक्ट ने पूरी मशीनरी पूरे लोगों को यहाँ से उठाया है जो नाकाबले बर्दाश्त है। और मैं मजम्मत करता हूँ डीसी किश्तवाड़ को, अभी तक यहाँ तक आना चाहिए था। इन्होंने गोताखोर जो डोडा में रेस्क्यू टीम है उन्हें कॉन्टेक्ट नहीं किया। मैंने मुश्ताक साहब को जो बताया, मुश्ताक साहब यहाँ पे एक जान, एक माँ बाप का बेटा, एक का भाई, एक का पोता, एक बेर का भाई, एक यहाँ पे जो दरिया में है जिसका कोई पता ही नहीं है वो नीचे है। आप यहाँ आइए, हमारी मदद कीजिए। उसे बताया कि सीजे मेरा फोन नहीं उठा रहा है, जो अफसोस की बात है। बताना चाहता हूँ, मुझे बिलाल अहमद शेख कहते हैं, मैं बीच रोड में पूरी ट्रांसपोर्ट यूनियन का सदर हूँ। मैं एक भी मुर्गा गाड़ी के नाम पे इधर टपने नहीं दूंगा जब तक ये बंदर नहीं निकलता, ऑपरेशन खत्म नहीं होगा। मैं तब तक यहाँ पे बैठा हूँ। मैं साफ करना चाहता हूँ कि अगर इन्होंने रात और रात बंदे को नहीं निकाला तो यहाँ पे पूरा हाईवे जाम होगा। जानबूझ की साजिश है। हमने सुना है कि प्रोजेक्ट में बलियां देनी होती है। जब प्रोजेक्टों में इन्होंने बलियां देती होती है इंसानों की, तो यही बहाना करते हैं, कच्चे रोड पे गाड़ियां डालते हैं ताकि एक्सीडेंट हो और जो जाने कुर्बान यहाँ पे जो बलियां देनी होती है वो लगे। जो अफसोस की बात है, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ की सोई हुई है। अभी तक तहसीलदार यहाँ पे नहीं है, अभी तक SHO किश्तवाड़ यहाँ पे नहीं है, अभी तक SSP किश्तवाड़ यहाँ पे नहीं है। 3-4 बजे का वादा है डीसी किश्तवाड़ को, उसका तो मैं कह ही नहीं सकता। वो तो बहुत बड़ा वो चम का एक इंसान, जानी इंसान से भी उसका जो रुतबा ऊपर है, उसका भाई इधर है, कहा है उसके भाई के बेचारे की हालात इसका दर्द समझे। आप बात करेंगे डीसी डोडा को, अभी तक ये नहीं पता है कि इधर पे एक्सीडेंट हुआ है, मतलब शर्म की बात है डीसी डोडा के लिए। किश्तवाड़ भी और डोडा भी हमने फोन किया, किसी को कुछ पता नहीं है। शर्म की बात है, इन्होंने हमारे भाई को जबरदस्ती यहाँ से नीचे डाला है। इन्होंने दरिया को यहाँ पे जो बंद किया है, दरिया को, दरिया यहाँ से निकल रहा है और इधर पे जो बंद किया है इस दरिया को डैम बना रहे हैं। मेरे भाई को जबरदस्ती यहाँ से नीचे डाला है। गुजारिश है आपसे, गुजारिश है आप पहले इसका मायने कीजिए। रोड कितनी सी है, कम से कम 40 मीटर, इतना चिनाब, अगर इसको बंद करना है, इसको गाड़ी टपानी है, कम से कम, मैं भी ड्राइवर हूँ, 28 साल मैंने ड्राइवरी की, कम से कम 40 फुट इसका गहराई होनी चाहिए थी कम से कम, और कम से कम 20-30 मीटर ऊंचाई होनी चाहिए थी। ये तो जबरदस्ती इन्होंने गाड़ी दरिया बांध किया, डैम बनाया सर। अभी कोई इसकी ऊंचाई सर 40 फीट के आसपास है, गाड़ी का नामो निशान कुछ नहीं है सर। गाड़ी सर एक्सीडेंट, अपील करना चाहता हूँ डीसी किश्तवाड़ से कि पूरी रात ऑपरेशन जारी रहना चाहिए, और एक माँ बाप का जो बच्चा है, किसी का भाई, किसी का बेटा जो है, उसको बाहर लगा निकालने की कोशिश की जाए, इंसानी हमदर्दी दिखाई जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं पूरी कॉल देके पूरी ट्रांसपोर्ट यूनियन के पूरी ड्राइवर चक्का जाम करेंगे। हम कोई गाड़ी सर जाने नहीं देंगे, हमें अपना भाई दे दो सर। हम ठाठी से पैदल आए हैं यहाँ सर, और ये साहब जो सर मशीनरी में के सारे सर घर जा रहे थे यहाँ से, हमने जबरदस्ती रोके सर, फिर हमने जबरदस्ती ड्राइवर को चाबी ली, फिर जाके रुका सर।